तो ये खबर बिहार के गोपालगंज जिला से है। बिहार के गोपालगंज जिला में भाजपा नेता की दबंगई सामने आई है। भाजपा नेता मार्कंडेय राय ने ग्रामीण से ही मारपीट की। अब उस पूरी वारदात के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पीड़ित परिवार के सदस्य ने बिहार दस्तक से बातचीत की है। आइए जानते हैं पीड़ित परिवार के सदस्य के माध्यम से कि पूरी वारदात क्या है। अभिषेक, आप गोपालगंज के अहरौली गांव से हैं। वहां एक मुकदमा दर्ज हुआ है 102/20। ये मामला पूरा क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें आप मुझे। सर, ये घटना कल की है। मेरे चाचा जी दरवाजे पे सोए हुए थे। जैसे कि भी जानते हैं कोरोना है तो लोग घर पे ही हैं, तो सोए हुए थे दरवाजे पे। तो मेरे गांव के बीजेपी के आजकल जिला जिला उपाध्यक्ष हैं, प्लस अध्यक्ष भी हैं, मार्कंडेय राय शर्मा जी, जिनसे थोड़ी बहुत जो कल मेरे दरवाजे पे आए, उनके पुत्र, उनके साथ मनोरंजन राय प्लस उनके भतीजा। थोड़ा थोड़ा जोर से बोलेंगे, आवाज कम आ रही है। वो मैं बताऊंगा आपको कि कल 2 बजे की घटना है। मेरे चाचा जी दरवाजे पे थे और सोए हुए थे। तब तक हंगामा हुआ ये कि मार्कंडेय राय शर्मा जी, जो कि गोपालगंज के बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं इस टाइम, और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं हमारे अहिरौली दुबौली पंचायत के, वो अपने बेटे मनोरंजन राय, भतीजा पुन्नू पुन्नू राय, मृत्युंजय राय उर्फ पुन्नू, अपने बड़े भाई बीरेंद्र राय और अपने एक नौकर टुनटुन के साथ आए और मेरे पापा चाचा के साथ हाथापाई शुरू किया और गाली देते हुए ये बोला कि यही है जो बार बार सूचना का अधिकार मांग के मुझे परेशान करे जा रहा है, आज इसको नहीं छोड़ना है। ये क्या एक क्या मामला है? सूचना का अधिकार या ऐसे ही कोई किसी को आके क्यों मार देगा? इसके पीछे मूल वजह क्या है? सर, इसके पीछे मूल वजह यही है कि वो खुद पैक्स अध्यक्ष हैं, दो बार से पैक्स अध्यक्ष हैं, और प्लस जो कोटा बांटते हैं वो उनके भतीजा ही बांटते हैं हमारे गाँव में, ठीक है। तो वो कोटा में काफी टाइमों से हम लोगों ने एप्लीकेशन सूचना का अधिकार मांगा हुआ, क्योंकि हमें लगता है कि गड़बड़ी हो रही है और होता भी है, क्योंकि जो खुद ही वो बहुत बड़े रसूखदार हैं, बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं, उनकी उनकी पत्नी जिला पार्षद अध्यक्ष भी हैं, खुद वो पैक्स अध्यक्ष हैं और उनका ही भतीजा कोटा बांटता है। इसलिए हमने हमें बार बार ये होता है कि हाँ ये गलत कर रहे हैं और करते भी हैं, तो हमने उसके लिए सूचना के अधिकार के तहत मेरे चाचा जी ने 2-3 बार सूचना मांगा था, जिससे वो थोड़ा सा मतलब काफी विचलित हो गए और ये सब घटना हुआ। साथ में ही मेरे चाचा जी ने प्रशासन सारण छपरा को एक कभी एप्लीकेशन डाला था, जिसमें उन्होंने, जो आपको पता होगा कि जन वितरण केंद्र दिया जाता है बिहार में, तो उसमें उन्होंने पूरे जो भी जन वितरण केंद्र के लिए अप्लाई करवाया था वो पूरे अपने ही परिवार के लोगों को अप्लाई करवा दिया था, जैसे कि मनोरंजन राय की धर्मपत्नी के नाम से डलवा दिया था, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए। मनोरंजन राय की धर्मपत्नी, उनके ससुर दिग्विजय राय हैं जो कि हमारे ही पंचायत में है, प्लस उनके साले, चचेरे साले हिमांशु कुमार हैं, उनसे भी डलवा दिया था। तो इसके खिलाफ मेरे चाचा ने छपरा सारण छपरा में एक एप्लीकेशन डाला था कि अगर इनके ही घर के सारे लोग जन वितरण केंद्र ले लेते हैं और कोटा बांटते हैं और ये खुद पैक्स अध्यक्ष हैं तो इसमें घपला होगा, इसलिए उन्होंने डाला था एप्लीकेशन। तो यही सब विवाद पहले से भी आता रहा है, क्योंकि हम लोग बार बार सूचना का अधिकार डालते हैं। हमने 2-3 बार डाला हुआ है कि एज ए पैक्स अध्यक्ष 2014 से इन्होंने कितना धान खरीदा, किससे खरीदा, क्या खरीदा, ये सूचना हम मांगते रहते हैं। अच्छा, मूल वजह ये है कि अपने सूचना के अधिकार के तहत इनके जो कार्य प्रणाली है इसके बारे में जानकारी मांगेंगे तो इनको लगने लगा कि मतलब थोड़ा सा कि मैं खिलाफ जा रहा हूँ, इतना रसूखदार होने के बाद में मैं इनके खिलाफ जा रहा हूँ, और प्लस तो इसलिए इनको लग रहा है कि ये बार बार तंग कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि इनका इनको डरा धमका के मार पीट के जैसे भी है। कई बार मेरे चाचा को ये भी धमकी दे चुके हैं कि मरवा देंगे, ये कर देंगे वो, मतलब काफी, क्योंकि जिला में देखिए पहले ये राजद में हुआ करते थे, बाद में बीजेपी में आए हैं, तो जिला में इनका काफी अच्छा पैठ है।
लोगों के बीच, वो आप प्रशासन को कहिए या नेताओं को कहिए, तो प्रशासन ये का रवैया अभी क्या है? प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई की है अभी तक? देखिए अभी तक तो प्रशासन का रवैया सब काफी ही संतोषजनक है, क्योंकि इतने बड़े दस्तावेज होने के बाद भी प्रशासन ने गोपालपुर थाना को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारा FIR लिया है, जो कि पहले नहीं होता था। काफी मुश्किल होता था उनके खिलाफ FIR करवाना, क्योंकि तमाम नेताओं का दबाव आ जाता था और नहीं होता था। तो इसलिए मैं इस बार प्रशासन को ये धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारा FIR लिया है। और प्लस अब मैं यही अनुरोध करूंगा कि आगे जो जांच हो या कार्रवाई हो, वो ना बिना किसी नेता या किसी और के दबाव में आए हुए एक निष्पक्ष जांच हो। और जो हाँ जो भी दोषी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो या मैं, जो भी दोषी हो उनको सजा मिले। मेरा यही है कि क्योंकि वो मुझे पता है अभी भी गांव में मेरे डर का माहौल बना हुआ है घर पे। मैंने आज सुबह ही बात करा, मैं दिल्ली में हूँ, मुझे डर का माहौल बना हुआ है। सुबह ही वो लोग मतलब तमाम तरह की धमकियां अभी भी दे रहे हैं कि ये करा देंगे वो करा देंगे, जो भी है डराना धमकाना। और इतने रसूखदार हैं तो हम लोग डरे हुए हैं, क्योंकि मतलब बहुत सारे, प्रशासन प्रशासन का सहयोग सकारात्मक है अभी तक? अभी तक सकारात्मक है। अब आगे का वो जांच से ही पता चलेगा कि किस हिसाब से क्या हो रहा है। तो क्या आपने वहां के स्थानीय SSP DSP को भी सूचना दी है या खबर दी है किस मामले की निष्पक्ष जांच हो? सर हमने FIR तो करा दिया है, हमने कोशिश भी किया है कि FIR SP तक हमने पहुंचने की भी कोशिश करी है, मेल के थ्रू या कॉल के थ्रू हमने मैसेज वगैरह भी किया है SSP को। और हम लोग इतने ज्यादा कनेक्टेड नहीं है वेल पॉलिटिकली या किसी भी चीज से जो सब लोग हमारी सुने, लेकिन हाँ थाने पे हमने FIR करा दिया है। और हमें थाने के दरोगा जी के सचिव ने पूरा सहयोग करने के लिए बोला हुआ है। बिहार दस्तक से बात करने के लिए अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद।